वर्सेस मुकाबला जय बालाजी रमाना चाबुक स्ट्रोक बटोली की भी इसके बाद जो मैच खेला जाएगा श्री कृष्ण दीवा यानी गंगाधर इंगोली की टीम और इसी तरफ एरोली कोलीवाड़ा जयेश पाटिल टीम आपको कितने नजर आएंगे नेक्स्ट मैच में थोड़ा स्पीड अप करना है गौरव थोड़ा स्पीड अप करना प्लीज अंदरूनी किनारे जरूर था वहां पर फील्डर शिरीष अच्छा स्टॉप किया है तीन गेंदों में अब तक एक रन खर्च किया यानी एक अच्छा ओवर मैच की स्टार्ट काफी अच्छी रही है रबाड़ा टीम के लिए ओवर द विकेट इस बार दमदार स्ट्रोक बल्ले से प्रहार वाइड स्लॉग ऑफ के रीजन में तुषार मोहंती एक बार फिर हमला बोलना शुरू कर दिया उनका बल्ला ने मैच का पहला सिक्स आता हुआ तुषार के बल्ले से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 7 रन पर 50 रन अब तक इस टूर्नामेंट में लगा चुके तुषार पहले मैच में 44 इस मैच में अब तक 7 रन उनके बल्ले से स्ट्रोक हाफ ट्रैकर की गेंद थी और फ्रंट फुट पर आकर एक अच्छा बैकलिफ्ट स्ट्रोक 6 रन इस बार भी अच्छा स्ट्रोक बेहतरीन स्ट्रोक क्लास है इस खिलाड़ी का बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद के आठ पॉइंट क्या बैटिंग कर रहे थे एक रिप्ले में अगर आप देखेंगे क्रिकेट के माध्यम से तो क्या खूबसूरत नजारा फ्रंट फुट पर आकर गेंद की लाइन में आकर एक बढ़िया पावरफुल का पूरा फायदा उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा कोशिश है तुषार की 30 yard सर्कल को गेंद अलग क्लियर करती है दीवा गांव का एक खूबसूरत मैदान आउटफील्ड काफी तेज है और फायदा जरूर मिलेगा बैट्समैन को बाहर ये गेंद वाइट का इशारा वाइट प्लस वन दो रन
सुरक्षित होंगे पहले ओवर का खेल कंप्लीट होता है के साथ पहले ओवर के खेल के बाद पहले इनिंग में बैटिंग करते हुए आरएसए कोटवाली टीम का टोटल स्कोर हुआ है 14 यानी 14 रन विदाउट लॉस। दमदार शुरुआत एक बार फिर अच्छी शुरुआत तुषार और विशाल मोहंती के द्वारा पहले ओवर में 14 रन अर्जित किए और देखना ओवर नंबर दो में गेंदबाजी कौन करता है। काफी कम एंट्री देखने को मिलता जरूर है प्रदान की गई थी। जयेश बॉलिंग माथा ओवर नंबर सेकंड में एक और कहूंगा मैं खराब शॉट सिलेक्शन तुषार का। पहले मैच में भी इनका बल्ला नहीं चला था और इस मैच में भी तुषार आउट होकर जाते हुए आदिश ने बल्लेबाज नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए मैदान पर अच्छा कैच वहां पर टीम्स पहले के रीजन में थोड़ा सा लो कैच जरूर था लेकिन अपने आप को स्ट्रेच किया वहां पर जितेंद्र ने और अच्छा कैच पकड़ा एक अच्छे फील्डर वहां पर जितेंद्र आज के दिन का उनके लिए तीसरा कैच था चुस्त दुरुस्त वहां पर तैनात जितेंद्र जय बालाजी रापाड़ा टीम टॉस जीता उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला अच्छे खिलाड़ी इस टीम में आपको फिर सुशांत जैसे खिलाड़ी अपनी थी जो एनएमपीएल में अनसोल्ड हुए थे लेकिन जिस प्रकार के फॉर्म में है आने वाली सीजन में कई बड़ी प्रतियोगिता में उनको किया जाएगा। आदेश बैट्समैन आदेश माथुरी जयेश के लिए लॉट किया जरूर है गेंद कौन सा की दिशा में डीप के खिलाड़ी तैनात अफरीदी वहां पर दाएं हाथ से लेकर फील्ड करते हुए शुरू करते हैं केवल एक रन आदेश ने अपना खाता खोला टीम का स्कोर बढ़ता हुआ आर एस ए गोटवाली का 1 विकेट के नुकसान के बाद टोटल स्कोर 15-50। खाता खोला आदेश ने और विशाल के अंदर बैठे तो अब तक उनकी पारी में एक सिक्सर एक चौका आ चुका है अच्छे टच में अच्छे फॉर्म में अच्छे लय में अच्छा टेम्परामेंट इस खिलाड़ी का शॉट सिलेक्शन काफी अच्छा रहा है। कैच बाएं हाथ के गेंदबाज राइट हैंड बैट्समैन हवा में गेंद दिस वुड बी द बिग विकेट बड़ा विकेट बड़ी कामयाबी तुषार नाखुश अपने आप से मिड विकेट क्लियर करना चाह रहे थे लेकिन अफरीदी बूम बूम अफरीदी जय बालाजी रबाड़ा टीम के सुपरस्टार वहां पे वो तैनात थे और एक अच्छा कैच बड़ी कामयाबी जयेश को और रबाड़ा टीम को। तुषार अच्छी स्टार्ट मिली थी लेकिन बड़े पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए अपने पारी को और विकेट गिरता हुआ दूसरा बड़ी पारी में करने के लिए पाया अपने पारी को नेक्स्ट मैच श्री कृष्ण टीम वर्सेस मुकाबला किया जाएगा एरोली कोली वाला सर डोमिनियन के कैप्टन रहेगा भारत का प्लेयर आलम से कॉल करा कैप्टन ला जायजा क्या क्योंकि सिग्नल प्लेयर पहुंच ले
एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गेंद लैंड होती हुई, एक रन आदेश के बनने से, बाल बाल बचे आदेश, दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद हुई है, किस्मत का साथ मिलता हुआ को स्कोर करता हुआ सिंगल रन की मदद से जा पहुंचा 16 रन पर, चार गेंदें, बढ़िया गेंदबाजी जयेश की, दो सफलता जयेश ने प्राप्त की है। इसके बाद बॉलिंग करके आपको नजर आएंगे अफरीदी, सुशांत ऑप्शन है काफी कप्तान के पास, बढ़िया गेंदबाजी की है इसका बॉलर जयेश ने। हाफ ट्रैकर की गेंद इनसाइड एज अंदरूनी किनारा केवल एक रन, और खासतौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रोशन जो तलवली गांव के आने वाला इस ओवर का आखिरी गेंद होगा, बढ़िया गेंदबाजी, पहले ओवर में 14 रन 16 रन तक की होती है, कुल मिलाकर स्कोर 77। वाइनिंग्स गांव ऑफेंसिव में खेला हुआ स्ट्रोक है, एक रन अपने पास से फिर जोड़े और इसी के साथ दो ओवर के पूरा दो ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर स्वच्छ नवीन भाई जश्न 2022 बढ़िया आयोजन होगा, सभी से आज भारत के नवी मुंबई चौथी क्रमांक पर स्वच्छ भारत अभियान में, और खासतौर पर देखा जाए तो नवी मुंबई काफी सिटी और स्वच्छ नवी मुंबई चषक 2022 के आयोजन हिदायत अफरीदी बॉलिंग मार्क पर बैटिंग के स्ट्राइक पर आप देख सकते हैं बैटिंग देते हैं शेखर धवन और उनका साथ देते हैं आदेश, दोस्तों के बाद में तो दो विकेट अब तक गए विशाल और विशाल बहुत आउट है। नेक्स्ट मैच कैप्टन तैयार रहना इरुली कोलीवाला वर्सेस श्री कृष्ण दीवा, आप रिदी प्लीज थोड़ा समय कम लें और विकेट, पहली गेंद बाउंस ऑफ टॉप एज गेंद गया है डिक्लेयर जोन की तरफ, जोना चेंडू गया स्कोर बढ़ता हुआ 19 पर, शेखर जोरे थोड़ा समय लेते हुए अपना मैदान पर उनका साथ देते हुए आदेश, चार ओवर का मुकाबला स्वच्छ नवी मुंबई चषक 2022 आयोजन बल्ला जोन से बनाया जरूर था लेकिन अंदर भी गिरा करते हुए देखा था विकेट के पैसे की तरफ, एक बार एकता जुटने से बात बनने वाला था, जिस प्रकार का ये मैदान है जिस प्रकार का ये ग्राउंड की साइज है 45 से 50 रन बनाने होंगे, 45 से 50 रन बनता है तो कहीं ना कहीं फाइटिंग स्कोर होगा हर से गुड लेने के लिए, और इनके काफी भी अच्छी भी काफी भी की इनके एक्शन की बात करें तो जिमी रिशाप जो इंग्लैंड के बॉलर है उनकी तरह एक्शन उनका बॉलिंग एक्शन एक ऑलराउंडर की तरह यहाँ पे भी बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर
टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला ऐसा लग रहा अब तक काफी ओटीपी का मतलब साबित होता हुआ अच्छा डिसीजन था। मुश्किल है राइट एक मिनट मोबाइल हुआ था ओटीपी का डिलीट कर था कुछ बात है। तीसरा झटका लगता हुआ आरएसए गॉटवनी टीम को 20 रन के स्कोर पर। शिखर दोरे नाखुश अपने आप से हवा में गई तो काफी आगे गिरती हुई और खराब फील्डिंग में कहूंगा वहां पर एक या दो रन होना चाहिए था एक्स्ट्रा दो रन खर्च किया वहां पर और ये महंगा साबित हो सकता है। राबाड़ा टीम फोकस करना होगा इस मैच में। किस्मत वाला चौका मिलता हुआ आदेश माते को आरएसए गोटवनी को टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन की मदद से जा पहुंचा टीम का टोटल स्कोर 24-24 पर। आखिरी गेंद अफ्रीदी की सुअर की अगर बात करें टोटल 6 रन खर्च किया उन्होंने इस विकेट। अच्छी गेंद जबरदस्त पत्ती में गई थी बाउंसर इस तरह बाउंसर के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल पूरा 3 ओवर के खेल के बाद पहले बैटिंग करते हुए टॉस हार के राजीव स्पोर्ट्स एकेडमी गोठोली टीम का टोटल स्कोर हुआ निशान के बाद 24-24। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी काफी कम स्कोर है। हर्षल को भी पता यहाँ पर कम से कम यहाँ से 10-15 रन बनाने होंगे ताकि एक अच्छा स्कोर खड़ा करे क्योंकि सामने वाली टीम के पास बैटिंग अच्छी है। सुशांत है विवेक है आफरीदी जैसे खिलाड़ी है तो यहाँ पर रन बनाने पड़ेंगे। निखिल और आदेश के ऊपर पूरा दारोमदार कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब 6 गेंदों का खेल बाकी है 6 गेंदों में 10-15 रन बनाने होंगे इस ओवर में तब जाकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी बात होगी अच्छी खबर होगी आरएसए स्पोर्ट्स गोटवनी टीम के लिए। फुल स्कोर हुआ 24 स्पीड अप करना है विवेक बॉलिंग मार्क पर स्ट्राइक पे निखिल ये तो विस्फोटक खिलाड़ी है निखिल ये आर्मी का खिलाड़ी है और टूर्नामेंट में कई बार हमने देखा है कि जब 3-3 या 4 गेंदों का खेल बाकी रहता है जाते जाते 3-4 गेंदों में सिक्सर या चौका लगाते जरूर है उसी प्रकार की उम्मीद है। अब आदेश दूसरे फ्लोर पर है दूसरे एंड पर है स्ट्राइक पर निखिल पूरे होते हुए और और 4 खिलाड़ी मैच में पहुंच गए विवेक को ऐसा नहीं होना चाहिए एक खिलाड़ी जाना चाहिए प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए विकास के ऊपर ठीक है कई कोशिश करनी चाहिए आपने भी कहने की खुल कर गेंदबाजी करिए। आप स्कोर बोर्ड पर उतने रन बने नहीं है ऐसा नहीं है कि 35-50 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड पे दबाव गेंदबाज के ऊपर है 30 रन स्कोर कार्ड पर लग गए वापसी करने का पूरा मौका है 5 गेंदों का खेल बाकी है अगर बल्लेबाज एक सिक्सर लगा सकता है तो गेंदबाज का प्रैक भी कर सकता है आपके पास 5 गेंद है। अच्छी गेंद एक्सटर्न को बेस कर रही है अंपायर का मानना अंपायर का फैसला लेग बाय यस एक रन स्कोर बढ़ता हुआ 31 पर बढ़िया वापसी इस प्रकार की गेंदबाजी करनी पड़ेगी विवेक को और वही विधायक सुशांत और कप्तान और आपने भी लिया जाते जाते नेक्स्ट मैच टॉस के लिए रेडी रहना जयेश पाटिल और श्री कृष्ण दीवा टीम के कैप्टन अनिकेत। बढ़िया गेंद विवेक की जय बालाजी रफाड़ा की अगर गेंदबाजी की बात की तो पहले मैच से भी काफी अच्छा गेंदबाजी रहा है इस मैच में। अच्छी बात है कि बड़ी टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन रफाड़ा टीम का थोड़ा बस लेगा
और थोड़ी सी राहत की सांस लेगी विवेक और जय बालाजी दफारा टीम, क्योंकि दो व्हाइट गेंद के बाद एक डॉट बॉल आया। प्रकाश जी बड़ी कहा बराबर हुआ सुस्वागत है श्री कृष्ण जी आपके सबसे अनुभवी खिलाड़ी। क्या बात है, आदिश के बल्ले से आता हुआ एक लाजवाब गगनचुंबी सिक्सर और जाते जाते इनिंग को समाप्त किया है 6 रन के साथ, जिसकी आवश्यकता थी, जिसकी दरकार थी। और इसी के साथ 4 ओवर के क्योंकि बाद टॉस हार के बैटिंग करते हुए 3 विकेटों के नुकसान के बाद राजीव स्पोर्ट्स गोठोली टीम का टोटल स्कोर हुआ है 40 यानी 41 का टारगेट। अनिकेत टॉस के लिए आगे, श्री कृष्ण दीवा कैप्टन टॉस साठी, जयेंद्र दादा कैप्टन ला पाठवा टॉस साठी, हेरोली कोलीवाडा जयेश पाटील काही कुठलाही प्लेयर आला असेल टॉस साठी। श्री कृष्ण दीवा की मैदान पर आ चुके हैं अपने घर के मैदान पर। इस टीम के खिलाफ एक अनोखा रिकॉर्ड है और यह अनोखा रिकॉर्ड हर बार होता जाता है, एक ही दिन में 2 खिताब जीता नवी दुबई में गोड़गोड़े के मैदान पर और झूम गांव के मैदान पर, और एक नामचीन एक मजबूत टीम श्री कृष्ण दीवा की आपको अगले मैच में खेलते नजर आएगी। सभी खिलाड़ी लगभग आ चुके हैं। 41 का टारगेट इस मैच में। और गंगाधरी काफी निराशा बात है कि नवी पे टीम के लिए बगल की टीम है यहाँ पर कौन कर रहा है ना यार, और एरुनी में ही मैच चल रहा और एरुनी कोहली वाला दिया है ऐसे कैसे पूरी मैच क्या दादा ये लोग और आते थे क्लब कोरोना की समस्या और आईटी में मार रहा है पानी का समस्या वेट लगा ना जिस तो मार सजने मारना पे लाइक के लिए बोलते हैं से कर कर के दिवा के कैप्टन आ चुके हैं एरुनी कोहली वाला के नहीं ना काम हुआ सर डोला छुट्टा झाड़ू का देना जय बालाजी रफाड़ा और कप्तान वही इजाजत देते हुए आफरीदी को, लखन और आफरीदी जाते हुए मैदान पर। आफरीदी अगर ये मैच जिताते हैं अपनी टीम को तो उनकी टीम टॉप 6 में पहुंच जाएगी आज के दिन के, और टीम का आखिरी मैच खेलेगी। एक अच्छा मौका है। दूसरी तरफ आरएसए गोगोली टीम ने 41 रन डिफेंड करने 41 का टारगेट है। बॉलिंग अच्छी है, आतिश हर्षल शुरुआत करेंगे गेंदबाजी में, निखिल जैसे गेंदबाज है टीम में और बॉलर नया, अच्छा बॉलिंग है आरएसए गोगोली के पास, अनुभव अच्छा है, कैप्टनसी अच्छा करते हैं पाँच
साढ़े लाख शेखर जो रहे इन एक्शन और पहली गेंद पर गोल्ड अटैक लाखन बैक टू द पवेलियन और हर्षल पाटिल नवी मुंबई के ब्रेक थ्रू गेंदबाज एक बार फिर ब्रेक थ्रू दिलाया शुरुआती झटका दिया है आ रहे ऐसे कुमेरी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि गेंदबाजी इनकी अच्छी भले कम रन बनाया स्कोर पॉइंट पे लेकिन डिफेंड कर सकती है क्षमता है इस टीम के पास पहला झटका लाखन बैक टू द पवेलियन शून्य के स्कोर पर जय बालाजी का बड़ा टीम को लगता हुआ पहला झटका शून्य के स्कोर पर आता हुआ पहली गेंद पर एक सिक्सर लगाना चाह रहे थे बल्लेबाज जो अभी थोड़ा सा अनसक्सेसफुल रहा सफल नहीं रहा और अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा दो ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर आप फील्डिंग के कुछ सजावट दी सकते पॉइंट कलर पॉइंट शॉट कवर वडिश मिडॉन को हटाया वहां पर और एक लॉन्ग ऑफ रखा है हर्षल ने अपनी गेंदबाजी के लिए फोर्थ विकेट नेक्स्ट के बाहर ये गेंद अंपायर का फैसला वाइड आता हुआ और इसी के साथ एक्स्ट्रा रन के साथ टीम का खाता खुलता हुआ एक्स्ट्रा रन के साथ ही आरएसए गोटवली का भी खाता खुला था और एक्स्ट्रा रन के साथ यहाँ पर यानी सेकंड इनिंग में बैटिंग करती हुई रन चेस करती हुई लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम जय बालाजी रवाड़ा एक रन के साथ उनका खाता खुलता हुआ अतिरिक्त वाइड के जरिए एक रन आता हुआ इस बीच फैसला वाइड है भी इस तरह के एक्स्ट्रा रन जो आ रहे उसको मौका गवाना नहीं है दबोचना है दोनों हाथों से और वही क्या अफरीदी ने एक एक रन दिए गए हर्षल थोड़ी सी बातचीत करते हुए अंपायर से 41 रनों का टारगेट है लो स्कोरिंग मैच जरूर है लेकिन डिफेंड रखने की क्षमता पूरी तरह रखती है आरएसए गोटवली ओवर द विकेट हर्षल धीमी गति की बाउंसर थी और अफरीदी के बल्ले से आता हुआ सिक्सर जैसा नाम वैसा काम इसीलिए अफरीदी जाने जाते हैं रबाड़ा गांव में फैन फॉलोइंग काफी इस खिलाड़ी का और रबाड़ा के दर्शक समर्थक काफी खुश क्योंकि अफरीदी के बल्ले से आता हुआ उनके पारी का ये पहला मैक्सिमम 6 स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा टोटल 9 रन पर टोटल स्कोर हुआ 9 41 का टारगेट और देखिए अगली गेंद अच्छी बाउंस आ रही बार एक रन लेने की कोशिश नजदीकी मामला कलेक्शन नहीं हुआ अगर गैदर करके थ्रो करते तब कुछ हो सकता था सिंगल अच्छी क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट यानी पलक झपकते एक रन मुकम्मल तालमेल काफी अच्छा नजर आ रहा सिरीश और बैट्समैन आप देख सकते हैं मैदान पर बैटिंग करते हुए अफरीदी जितना दूर अगर आप आरी से गुटोली अफरीदी को रोहन स्ट्राइकर एंड पर रखेंगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा जितना ज्यादा स्ट्राइक चार ओवर में अफरीदी के पास होगा उतना होगा खतरा सामने वाले फील्डिंग टीम के लिए ये दो स्ट्रैटेजी अगर मैदान पर चलेगी तो निश्चित तौर पर मैच में रोमांच आएगा मैच खाते की रकम होगी अगली गेंद पावर देगी हर्षद की बढ़िया यहाँ पर कैप्टनसी बढ़िया बॉलिंग एक्सलिप तैनात किया गया था हल्की सी बिछाई गई थी जाल उस जाल में फंसे वहां पर बल्लेबाज शीर्ष विकेट चटकाया है एक बार फिर दूसरी सफलता अपने स्पेल में अर्जित किया है हर्षल पाटिल ने लगातार अच्छी कंसिस्टेंसी गेंदबाजी में नजर आती हुई नियंत्रता गेंदबाजी में नजर आती हुई रिकॉर्ड कामयाबी आरएसए गोटवली का स्कोर हुआ है
रबर और इनका दस उमा शर्मा। आप देख सकते हैं रबाड़ा के आज समर्थक काफी आए, फैन फॉलोइंग काफी रबाड़ा टीम की। मेरे ख्याल से लगभग 25 से 30 आज उनके खिलाड़ी और सपोर्टर आए, ये खासियत है रबाड़ा टीम की। मैच जीत सकती है उनकी टीम, लेकिन बैटिंग अच्छा करना पड़ेगा। ये मत यहाँ पर हर्षद पाटिल की अच्छी गेंदबाजी, दो विकेट चटका चुकी है अब तक 10 रन का। अब आप देखिए बाल बाल बचे वहां पर, गेंद जाती हुई गली के रीजन में, गली की दिशा में स्ट्रोक एक रन। ओवर की समाप्ति, उमा शंकर स्ट्राइक रखेंगे ओवर नंबर दो में, पावर प्ले समाप्त। और इसी के साथ 41 रनों का पीछा करते हुए अब तक स्कोर कार्ड पे रन लगे टोटल 11, यानी जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता। आने वाली गेंदों की टोटल 18 गेंदों में 30 रन, आस्किंग रन रेट है 10.00 का। नेक्स्ट मैच श्री कृष्ण दीवा वर्सेस मुकाबला खेला जाएगा एरवी कोहली वाला। दीवा टीम के सभी खिलाड़ी आ चुके हैं और श्री कृष्ण दीवा के खिलाफ जिनका मैच होना है एरवी कोहली वाला का, खिलाड़ियों की यहाँ पर थोड़ी सी इंतजार की जा रही है। जितना कितना इंतजार किया जाएगा उसका फैसला लिया जाएगा कमेटी टीम की ओर से। हमारे युवा आयोजन, एक बढ़िया आयोजन नई मुंबई में, सबसे खास बात बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने स्वच्छ भारत, स्वच्छ नवी मुंबई हमें रखा और स्वच्छ नवी मुंबई भाई सब देख रहे हैं। खास तौर पर देखा जाए तो रविंद्र गुलगुले और चेतन सूर्यवंशी सभी हमारे आयोजन की तरफ से आयोजन देख रहे हैं। रविंद्र गुलगुले प्रसाद बोले और चेतन सूर्यवंशी 18 गेंदे जीतने के लिए 30 उमा सिंह की पर आई है। आदेश की पहली गेंद बिल्कुल ड्रॉप बॉल में, जड़ में कोई मौका नहीं पास पे उमा शंकर के पास ड्रॉप बॉल। मैंने पहले कहा था जितना आप आफरीदी को नॉन स्ट्राइकर एंड पर रखेंगे गुडविल टीम उतना उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, मौका होगा इस मैच को जीतने का। और बैट्समैन को करना क्या है, सिग्नल देकर आफरीदी को स्ट्राइक में लाना है, ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शॉट अच्छा इस बार हवा में गेंद, लॉच ऑफ ऑफ कैच वहां पर शेखर जोरे, बड़ी स्लॉग के रीजन में एक और बैट्समैन आउट और ये लगता हुआ दूसरा झटका रबाड़ा टीम को। जय बालाजी रबाड़ा टीम को लगता हुआ दूसरा झटका। बैट्समैन उमा शंकर एक रन के स्कोर पर बैक टू द पवेलियन और अब जीतने के लिए 16 गेंदों में रन बनाने हैं 30, 16 गेंदे 30 की आवश्यकता, कंपल्सरी चेज। एनएमटीसी का नियम और एनएमटीसी नियम के अनुसार ये प्रतियोगिता चलता हुआ और अब 16 गेंदों में रन बनाने हैं 30। पहला बॉल का आना नॉट इट वन आउट है विवेक श्री कृष्ण दीवा टीम आप देख सकते हैं चुकी मैदान के अंदर एक अनोखा रिकॉर्ड है। दशमी बताना चाहूंगा आज तक नवी मुंबई क्रिकेट में कभी ऐसा हुआ नहीं है एक ही दिन में दो ग्रामीण टूर्नामेंट जीतने का खिताब भोजपुरी के मैदान पर और जू गांव की नाइट्स पर जाए हम सभी को याद है। और मोहन राव अभी तक दिखाई नहीं दे रहे, देखना कब तक आते हैं। अच्छा शॉट स्टार्ट एंड डिलीवर, क्या एफर्ट देखने को मिला है तुषार मोहन की, बेस्ट प्लेयर ऑफ नवी मुंबई। देखना है क्या होता है, अंपायर है हमारे फैसला लेंगे। अंपायर जो भी फैसला बताएंगे, हम उठाएंगे लगा। हाँ लाइन पूरी मारी पहला आदमी उत्तर मारी लगा। रबड़ा टीम का थाम्बा थाम्बा इसलिए ऐसे पेंटिंग है। अंपायर आया अपना न्यूट्रल अंपायर थाम्बा था
डिसीजन टेकिंग बाहर के मैंने पे वो ओपन है उधर है तुषार मोहंती अगर देखा जाए तो अगर एक बैंक अकाउंट खोल दे फील्डिंग के रन बचाने की तो उसका खाता काफी अच्छा है। तुषार मोहंती जहाँ पे 6 रन होने चाहिए थे वहां पे रन बचाया गया है। अंपायर अभी भी चार बजे इम्पॉर्टेंट क्रूशियल मोमेंट आहे ये मॅच चा डिसिजन तेवढा काय नाही राहिला ए बाहेर सप्लेअर प्लेअर नाही होतं प्लेअर नाही अंपायर आहे ना चाल लाव पाय खाली गेला हा दादा मी कुठे नाही बोललोय अंपायर माहित आहे फक्त ते डिसिजन आम्ही क्लिअर करतो बघ अरे नाहीये दोघांना हे अंपायर कुठलं हे डिसिजन कुठल्या थर्ड अंपायरला दिलेलं नाहीये अरे मुझे लक्षात घ्या समझदारी के साथ डॉट बॉल इस बार गैप में हवा में जरूर है लेकिन गैप में दो खिलाड़ियों के बीच में से इस गेंद को खेला गया आपने कम का स्कोर आता हुआ आफ्रीदी के बल्ले से ये खिलाड़ी सब तक मैदान पर है चौथा आता हुआ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 17-17 पर आदेश मारने वाली बात है तो आप कोर्ट में कुछ इस साली शोभा में गई तो और आगे थोड़ी सी यहाँ पर टर्न होकर जाती हुई गली के रीजन में एक रन ओवर की समाप्ति बढ़िया फैसला केवल एक रन लिया गया स्ट्राइक पर सबके आसू के अपने पास अपना स्ट्राइक कोर्ट में बचा लिया और देखते हैं कि 12 टोटल 23 थे कंपल्सरी चेंज प्रतियोगिता करनी है स्वच्छ नवी मुंबई चषक 2022 और मुकाबला चलता हुआ सेकंड राउंड का जो जीतेगा टॉप सिक्स पे पहुंचने वाली आज की पहली टीम होगी जिनका जय होती है या राजीव स्पोर्ट्स एकेडमी गोठोली टीम मैच बराबर स्थिति पर थोड़ा सा समय कम लीजिए प्लीज 12 चेंडू 23 धावन की जरूरत है 12 गेंदे 23 रनों की दरकार
पडदा बंद केला खिलाड़ी एक फॉरवर्ड शॉट लेग रखा गया है, थोड़ा सा मानसिक दबाव डालने के लिए। ग्यारह गेंद पे 22 वाली बात पर सिखिल दायां से उधर गए, उल्टा हवा में गेंद, हर्षल वहां पर मौजूद और क्या छुटका हुआ। इस गेंद को अगर पकड़ते तो शायद विकेट तो मिलता, साथ ही साथ डॉट गेंद भी काउंट की जाती थी स्कोर कार्ड में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 10 गेंदे 20 का समीकरण, लड़ाई बराबरी की है, कांटे की टक्कर वाला मैच चलता हुआ आज के दिन का सबसे कहते कि एक रोमांचक मुकाबला आपके सामने। तरफ जय बालाजी नाबाड़ा तो दूसरी तरफ आर एस ए गोटवाली। 10 गेंदे 20 का समीकरण, कंपल्सरी चेस। विकेटों की बात करें तो टोटल विकेट गिरे अब तक चौथा झटका लगता हुआ रबारा टीम को, और ये सफलता दिलाई है निखिल और शेखर जोरे की कॉम्बिनेशन ने। 9 गेंदे और अब समीकरण 20, 9 गेंदे 20 का अब समीकरण इस मैच का। रबारा टीम को पता है ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं उनके जीवन करियर में, अगर ये मैच जीतने पर टॉप 6 में जाने वाली आपकी पहली टीम होगी। आर या पार की लड़ाई, जितेंद्र नए बल्लेबाज आते हुए, अब जीतने के लिए रन बनाने हैं टोटल 9 गेंदों में 20 रन। 9 गेंदे 20 का समीकरण, मैच अभी भी बना हुआ है, मैच का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ दोनों टीमों के लिए। एक नई टीम है जय बालाजी नाबाड़ा जो कई टूर्नामेंट्स में काफी कम एंट्री उनके माध्यम से देखने मिलता है, लेकिन जब जब एंट्री होता है धमाका होता है, और यहाँ पर वही उम्मीद है। क्या यहाँ पर नाबाड़ा टीम इस मैच को जीत जाएगी, क्या रन चेज सक्सेसफुल होगा या स्कोर डिपेंड होगा। निखिल बॉलिंग मार्क पर, एक अनुभवी गेंदबाज, एक कैसे की चतुर चला गेंदबाज, फील्डिंग की तहत गेंदबाजी करती हुई पिछली गेंद पर मिला होगा सफलता। स्ट्राइक पर जितेंद्र, अच्छा शॉट वाइड स्पिनर के रीजन में थोड़ी सी मिस करी, लेकिन बैकअप है, बैकअप की तौर पर वाइड स्पिनर के रीजन में हर्षद पांडे मौजूद, केवल एक रन, यहाँ से एक ही रन जाएगा तो कोई असर पड़ेगा नहीं वहाँ पर फील्डिंग की गोटेरी टीम को। स्ट्राइक पे है बूम बूम आफीदी, 8 गेंदे 19 का समीकरण, एक पावर शॉट तक अभी भी रखा गया है, एक पॉइंट खिलाड़ी देना सर्कल के बाहर की बात है तो एक डीप स्वीपर के खिलाड़ी वाइड स्टॉम आउट, वाइड स्टॉम आउट, अच्छा शॉट बिल्कुल सीधा लेकिन हाथ पे कैचेस विल द मैचेस, और एक जो उम्मीद की किरण थी वही यहां पर ढलती हुई आफीदी की पारी का लगता हुआ यहां पर पूर्ण विराम। आफरीदी जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मात्र एक से एक खिलाड़ी जिनके बल्ले से लगातार कंसिस्टेंसी रन निकल रहे थे, लेकिन नियंत्रता अब यहां से थोड़ी सी थम सी गई है। अब जीतने के लिए 7 गेंदों में रन बनाने हैं टोटल 19, 7 गेंदे 19 का समीकरण। व्हाट अ मैच, जबरदस्त मुकाबला। रोहित हनुमंत पात्रे का यहाँ पर आगमन हुआ, सुस्वागत है, वेलकम। आर एस ए गोटवली के खिलाड़ी आज किसी कारणवश इस मैच में अवेलेबल नहीं रह पाए। अच्छी बैटिंग की आफरीदी ने, वेल प्ले आफरीदी, 7 गेंदे 19। क्रिकेट में आपको एक खिलाड़ी के ऊपर पूरा टीम डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपको बाकी खिलाड़ियों से भी कॉन्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। एक खिलाड़ी से बदौलत आप एक मैच जीत सकते हैं। नए बैट्समैन आए, इसरार क्या करेंगे टीम का बेड़ा पार। इसरार 7 गेंदे 19 का समीकरण, लेफ्ट बैट्समैन है जो अब सिली पॉइंट पर उसे फॉरवर्ड शॉट लग दिया गया, थोड़ा समय लिया जा रहा लेकिन मैं मिल दूंगा थोड़ा कम समय प्लीज।
लेजेंड प्लेयर मोहित राय का अपन आपको श्रीकृष्ण जी का वेलकम करना स्वागत करते हैं। सात गेंद नहीं होती सर, इस गेंद पर बड़ा शॉट आना चाहिए। अगर इस मैच में थोड़ा सा भी रोमांच लाना है तो बड़ा शॉट आना चाहिए। इस बीच वाइट है, यानी अभी भी इंतजार, आखिरी गेंद क्या होगी, क्या होगा, क्या आखिरी गेंद पर विकेट होगा, सिक्सर होगा, काफी कुछ देखने को मिल सकता है। वाइट है, छह गेंद, इसके बाद छह गेंद जो अखिल बाकी होगा और कहां से जीतने के लिए सात गेंद मेरे प्रमाण है 18-18। जय बालाजी रबाड़ा जीतेगी या यहाँ पर बाजी मारेगी राजीव स्पोर्ट्स अकेडमी गोठवली की। चर्चा दोनों खेमों में, रणनीति दोनों खेमों में बनाया जा रहा है, स्ट्रेटेजी दोनों खेमों में बनाया जा रहा है। पलड़ा कौन सी टीम का होगा भारी, कौन सी टीम एक मैच यहाँ पर जीतेगी। कल एक गोठवली टीम ऑलरेडी पराजय हो चुकी है और आज एक गोठवली टीम को यहाँ पर मौका है गांव के प्रतिष्ठान के लिए कि मैच जीतकर टॉप सिक्स में पहुंचने का। क्या टॉप सिक्स में गोठवली टीम पहुंचेगी या कहते की जिनको काफी ऑन पेपर अंडरडॉग टीम कहा जाता है, जय बालाजी रबाड़ा टीम, वह इस मैच को जीत जाती है। क्योंकि कहते ना दोस्तों, क्रिकेट कमाल की माया, कहीं धूप धूप कहीं छाया। हमने बांग्लादेश को भी ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए देखा है, हमने कई बार छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को पराजय करते हुए देखा है। क्योंकि छह गेंदे हैं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और आज तक क्रिकेट के जगत में हर कोई खेल खेल है। क्रिकेट का एक रोमांच आपको देखने को मिलता हुआ, स्वच्छ भारत जो अभियान यहाँ पर चलता हुआ, यहाँ पर स्वच्छ स्टेशन 2022 का मुकाबला। छह गेंदे 18 रन, बॉल मार पर बॉलर, चार रन, पहली गेंद और ये जाता हुआ सीन पर रेखा पार, सिक्सर। कुदल ने थोड़ा सब्र इम्तिहान अभी जारी है मेरे दोस्त, सब्र कर ले, इम्तिहान अभी जारी है। 11 लेकिन वक्त भी जाएगा, 5-11 दोस्त अब तेरी बारी है, 5-11 वक्त की बात है, वक्त सबका होता है, वक्त की बात है। जीरो से हीरो बनने का सफर, और कहते हैं दोस्तों जो मेहनत करता है सफलता उसका कभी हाथ नहीं छूटती है, कभी साथ नहीं छूटती है। पांच गेंदे और अब जीतने के लिए रन बनाने हैं टोटल 11, पांच गेंदे 11 रन, दिलों की धड़कनें तेज होती हुई। कहना मुश्किल कौन सी टीम का पलड़ा भारी यहाँ पर, इसरा जब तक है मैच ऑन है। एक और बड़ा शॉट, और मैच में अभी भी है रबाड़ा टीम, अभी भी है तो 200 से भी अधिक पूरे रबाड़ा की यहाँ पर उम्मीद बरकरार है, प्रार्थना की जा रही है, उम्मीद की जा रही है किसी भी हाल में ये 11 रन बनाया जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर गोठवली टीम प्रेशर को झेलती हुई नजर आ रही है, प्रेशर को डिफेंड करती नजर आ रही है, रनों को डिफेंड करती नजर आ रही है, अनुशासन निकाली है वहां पर राजीव स्पोर्ट्स अकेडमी गोठवली की। चार गेंदे 11 का समीकरण, एक युवा बॉलर जिसने यहाँ पर तजुर्बा दिखाया, भरोसा जताया है कप्तान तुषार ने। आदेश अभी भी एक सीरीज पॉइंट तैनात है, चार गेंद के लिए रन बनाने हैं 11। क्या इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आएगा, जितेंद्र अभी भी स्ट्राइक पर, इस गेंद का फैसला होना बाकी है। एक रन तो निश्चित तौर पर है, वाइट रन इस गेंद पर, यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मैच अभी बाकी है मेरे दोस्त। चार गेंदे 9 रन, रख हौसला, हुआ मंजर भी आएगा, रख हौसला, हुआ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। चार गेंद 9 रन, छुटास गेंद इस बार पॉइंट के ऊपर से खेला है, कितने रन, कितने रन, छह रन, छह रन का फैसला, बस चौका, चार रन। आप यहां से गुजरने के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई, मतलब जीतने के लिए फील्डिंग के ऊपर में पांच, कहां का मैच कहां आकर खड़ा हुआ है,
12 गेंद पे 27 रन चाहिए थे और अब जीतने के लिए रन बनाने हैं 3 गेंद पे 5। कंपल्सरी चेज, कंपल्सरी चेज इस प्रतियोगिता का नियम। रबारा टीम को काफी अच्छा सपोर्ट मिला है, उनके गांव का समर्थक काफी उपस्थित और यहां पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस आने वाले समय को यहां पर स्वागत किया जा रहा है। लेकिन तुषार मोहन की थोड़ा सा कान मंत्र देते हुए, नयन एक युवा बॉलर जरूर है लेकिन नयन के पास 3 गेंद है, यहाँ से अगर एक डॉट बॉल आती है तो प्रेशर काफी बैट्समैन के ऊपर होना चाहिए और तुषार वही कहते हुए एक अच्छी गेंद वापिस यहाँ पर प्रेशर बैटिंग के ऊपर होगा। क्रिकेट कमाल की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया, क्या मैच है, क्या लाजवाब मैच है। 3 गेंद और जीतने के लिए 5 रनों की दरकार। जितने दर्शक हमारे क्रिक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है। बढ़िया टेक्निकल काम करती हुई तेजस मलिक की टीम। 3 गेंद 5, 1 रन, 2 गेंद 4, अच्छी गेंद नयन की, जड़ में गेंद। 360 मैदान नहीं है तो ऑफ के बाद आप काउंटर बॉल ट्राई कर सकती है, अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और वही किया वहां पर गेंदबाज ने और वही काट मंत्र दिया तुषार मोहंती ने। तुषार मोहंती निखिल आदेश मात्रे डकआउट के बाहर थोड़ा सा चिंतित, रोहित मात्रे का चेहरा आप देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर इस मैच का इंपॉर्टेंस, अंदाजा लगा सकते हैं इस मैच का महत्व। 2 गेंद चार, शेखर सोने यहाँ पर सूरत, 3-4 रन हो चुका है पूरा और तीसरे के लिए बल्लेबाजी किस्मत का साथ कहते ना दोस्तों, किस्मत दिलों का साथ देती है जिनके हौसले में उड़ान होती है। आखिरी गेंद जीतने के लिए 1 रन, स्कोर लेवल मैच हो चुका है टाई, चाहिए अब 1 रन आखिरी गेंद। आखिरी अंदर मचा, अंदर मचा, अंदर जाना नहीं है। दीदी भावे जी किस टाइम में कोई अंदर नहीं जाएगा, आखिरी गेंद 1 रन, सभी खिलाड़ी अब सर्कल के अंदर। इस मैच को जीतना है तो आरएसएल गठबंधन टीम को डॉट बॉल या विकेट लेना होगा और 1 रन, केवल 1 रन दूर है सुपर सिक्स से और एक बड़ी उपलब्धि होगी यहाँ पर हमारा टीम के लिए। क्या इतिहास के पन्नों में जीत दर्ज होगा, क्या आखिरी गेंद पर हमारा टीम इतिहास रचेगी। दोनों टीमों को है जीत इतिहास, कौन सी टीम रचेगी इतिहास। ये मैच पसंद आया तो दोस्तों एक बार जोरदार तालियां प्लीज, आखिरी बॉल है, आखिरी बॉल कंपल्सरी चेस। क्यों सोचेगी क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचेगी बुरा होगा, बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, मंजिल मिले न मिले तजुर्बे मिला होगा मेरे दोस्त। आखिरी गेंद 1 रन, स्पीड अप करना चाहिए नयन की आखिरी गेंद। जोरदार शाबाश, नजदीकी मामला जोरदार शाबाश और मैच जीत गया यहां पर शेर बालाजी। क्या बोलते हैं जीत की खाती बटवा क्या चल रही है, कर की जो समंदर आएगा जय बालाजी।